हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन. सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में. तो आज हम ले रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 ओशियन करंट का जो है लेक्चर नंबर 2. ओके, सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. तो शुरू करते हैं ओशियन करंट का जो है चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट. तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि ओशियन करंट्स जो है वो कैसे फ्लो होते हैं. देखा था कि ओशियन करंट्स जो है, सरफेस ओशियन करंट्स जो है वो कैसे फ्लो होता है, और जो है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है ओशियन करंट किस तरह से फ्लो होते हैं वो हमने देखा, और इंडियन ओशियंस पे जो है ओशियन करंट किस तरह से फ्लो होते हैं वो भी जो है हमने पहले पार्ट में जो है देखा था. तो अब जो है हम इफ़ेक्ट ऑफ ओशियन सरफेस करंट ऑन ह्यूमन लाइफ, तो ओशियन सरफेस करंट का जो है ह्यूमन लाइफ पे कैसा इफेक्ट होता है वो जो है हम इसमें देखने वाले हैं. सो ओशियन करंट स्पेशली अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द रीजन हैविंग प्रॉक्सिमिटी टू द सी. तो ओशियन करंट जो है स्पेशली अफेक्ट करता है उस रीजन पे जहाँ पर जो है सी एरिया होता है, मतलब कोस्टल रीजन्स होता है, उस एरिया में जो है इस ओशियन करंट का जो है अफेक्ट हमको दिखता है. इन कोल्ड रीजन्स वेयर वार्म ओशियन करंट फ्लो, जैसे कि कोल्ड रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर जो है वार्म ओशियन करंट जो है फ्लो होता है, और उससे जो है क्लाइमेट बिकम वार्मर, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म हो जाता है. इन सम रीजन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज, और कुछ रीजन पे जो है जो बारिश का जो प्रमाण है वो इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द वार्म ओशियन करंट फ्लोइंग नियर वेस्टर्न यूरोप, ये जो वार्म ओशियन करंट जो है वो वेस्टर्न यूरोप, साउथर्न अलास्का एंड जापानीज कोस्ट पर जो है फ्लो होने की वजह से वहाँ का रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द विंटर्स. वहाँ पे जो विंटर का जो विंटर होता है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड मेक देम वार्मर, और वहाँ का जो एरिया है वो गर्म हो जाता है. एज अ रिजल्ट दिस पोर्ट डू नॉट फ्रीज इन विंटर, और इसका परिणाम क्या होता है कि विंटर में भी जो है वहाँ पे जो है बर्फ जो है नहीं जमता है. सो हैड ओशियन करंट बीन अब्सेंट द ओशियन वाटर वुड हैव रिमेंड स्टिल. अब अगर ओशियन करंट से अगर अब्सेंट है, मतलब ओशियन करंट बहते ही नहीं, तो क्या होता था कि जो वाटर है वो स्टिल रहता था, मतलब जैसे है उसी स्थिति में जो है वो रहता था. और इन सच वाटर द बायोटिक कंपोनेंट्स वुड हैव बीन डिवोर्ड ऑफ अ फूड, और ऐसे जो वाटर में जो है बायोटिक कंपोनेंट जो है प्लांट्स है जो पानी में जो ग्रो होते हैं तो वो जो है हमको कहीं भी जो है नहीं दिखते. सो कॉन्सिक्वेंटली मरीन लाइफ एंड इट्स इकोसिस्टम वुड हैव लिमिटेड इन इट्स एक्सटेंट, और ओशियन करंट ना होने की वजह से जो है मरीन लाइफ भी जो है हमारी इकोसिस्टम है वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाती, और जो है जो कुछ ही जगह पे जो है हमको मरीन लाइफ जो है एक्सटेंड होते हुए दिखती. ठीक है, सो इन रीजन वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट मीट प्लैंकटन वेजिटेशन अल्गी एट्सेट्रा ग्रो, और जो ऐसे रीजन है जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट जो है मिल रहे हैं तो वहाँ पे जो है प्लैंकटन वेजिटेशन अल्गी जो है वो ग्रो करते हैं, एंड दिस इज द फूड ऑफ द फिश, और ये जो है फिश का फूड होता है. देयरफॉर फिश कम हियर इन लार्ज नंबर एंड ब्रीड, और यहाँ पे जो है ऐसे एरिया में जो है जहाँ पे कि कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं तो वहां पे जो है लार्ज नंबर ऑफ फिश जो है आती है और वहां पे ब्रीड करती है, मतलब फिश को जो है जन्म देती है. सो दिस हैज इन टर्न लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज फिशिंग ग्राउंड, और ये जो एरिया है यहां पे जो है फिशिंग एक्टिविटी जो है लार्ज नंबर पे होती है. ओके,
एंड ग्रैंड बैंक नियर द नॉर्थ अमेरिका कोस्ट इन अटलांटिक ओशियन एंड डॉगर बैंक नियर द यूरोपियन कोस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. और ये जो मतलब वार्म एंड कोल्ड करंट जहाँ पे मिलते हैं तो वैसे कुछ एरिया का यहाँ पे नाम दिया है. सो नॉर्थ अमेरिका कोस्ट इन अटलांटिक ओशियन एंड डॉगर बैंक नियर द यूरोपियन कोस्ट, ये जो है एग्जाम्पल है जहाँ पर जो है फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे होती है. विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर ट्रांसपोर्ट टू द ओशियन करंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जो वाटर के ऊपर जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो चलता है वो भी जो है ओशियन करंट का जो है उस पर भी जो है असर होता है. मतलब ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी जो है वाटर करंट ओशियन करंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ ओशियन करंट द स्पीड ऑफ द शिप इंक्रीज एंड फ्यूल इज सेव टू. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है मतलब अकॉर्डिंग टू ओशियन करंट के हिसाब से फ्लो अगर होता है और हमारी जो शिप है वो स्पीडली जो है आगे बढ़ती है तो इससे जो है हमारा फ्यूल भी जो है सेव होता है. ओके, सो नियर द कोस्ट वेयर कोल्ड करंट फ्लो द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज लो. और ये जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जो है कोल्ड करंट फ्लो होने की वजह से जो है वहाँ पे बारिश का प्रमाण जो है वो कम होता है. फॉर एग्जांपल इन पेरू चाइल एंड एरिड डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका. ये साउथ वेस्ट अफ्रीका के जो डेजर्ट दिए हैं पेरू चाइल एंड तो यहाँ पर जो है बारिश का प्रमाण जो है बहुत कम होता है. ओके, इज वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट मेड थिक फॉग इज फॉर्म. सच फॉग क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और जहाँ पर जो है कोल्ड और वार्म करंट जो है मिलते हैं तो वहाँ पे जो है फॉग थिक फॉग जो है मतलब धुके जो है वो जो है तैयार होते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो एरिया दिया है जहाँ पे जो कोल्ड करंट इधर से आ रहे हैं और ये जो वार्म करंट जो है इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है मतलब फॉग की फॉग जो है थिक फॉग जो है बनता है और जिससे कि ये कोल्ड करंट के तरफ से जो बर्फ जो है बर्फ के टुकड़े जो है वो जो है यहाँ पे आने की वजह से जो है जो भी हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है तो उस पे जो है मतलब ये आके धड़क सकते हैं और यहाँ पे जो है एक्सीडेंट के प्रमाण जो है बढ़ सकते हैं. ठीक है. हाँ, सो सच फॉग क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. और ये फॉग की वजह से जो है बर्फ के टुकड़े जो आके उस शिप पे जो है धड़कते हैं तो उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं. द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड वाटर लेब्राडोर करंट मीट नियर द न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड दिस लीड्स द डेंस फॉग. और ये जो लेब्राडोर करंट जो है द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लेब्राडोर करंट जहाँ पर मिलते हैं न्यू फाउंडलैंड आइसलैंड में तो वहाँ पे जो है ऐसा थिक फॉग जो है क्रिएट होता है. बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट द आइसबर्ग्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द पोलर एरियाज. और ये जो कोल्ड करंट की वजह से जो है वहाँ पर जो है आइसबर्ग जो है मतलब बर्फ के जो है टुकड़े जो है वो बनने लगते हैं एंड वो जो है उसके साथ में जो है कोल्ड करंट के साथ में जो है आते हैं और पोलर एरिया में. सो इफ सच आइसबर्ग कम अलोंग द मेरिन रूट दे आर हजार्डस टू द शिप. और अगर कोई शिप अगर वहाँ पे जो है चल रही होती है तो उस ट्रांसपोर्टेशन में जो इस आइस बर्फ की वजह से बर्फ के टुकड़ों की वजह से जो है वहाँ एक्सीडेंट का प्रमाण जो है बढ़ सकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट, सो नाउ वी सी द डीप ओशियन करंट. सो वाटर करंट्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स आर नोन एज द डीप वाटर और ओशियन करंट. सो यहाँ पर दिखाया गया है ये जो है बियॉन्ड द 500 डेप्थ मतलब यहाँ ऊपर का जो 500 मीटर का जो एरिया है वो सरफेस एरिया है सी का.
और ये जो नीचे का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द डीप वाटर ओके और ओशियन करंट्स. सो दीज करंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशियन. तो ओशियन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पर जो है अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग डेंसिटी होती है. जैसे कि टेम्परेचर अगर राइज है तो डेंसिटी कम होती है. तो इस हिसाब से जो है सी के अलग अलग पार्ट में टेम्परेचर और डेंसिटी जो है अलग अलग होती है और उसकी वजह से जो है ये जो वाटर का करंट होता है ये भी जो है अलग अलग होता है. ठीक है. सो दिस इज नोन एज द थर्मोहेलिन सर्कुलेशन और इसे जो है क्या कहा जाता है, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन. दिस करंट्स फ्लो टिल द सी बेड ऑफ द ओशियन और ये जो करंट है ये जो है सी बेड तक जो है ओशियन के जो है फ्लो होते रहता है. यहाँ पे ये जो नीचे का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे ये सी बेड का जो पार्ट है यहाँ तक जो है ये फ्लो होते रहता है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक. सो दिस इज नोन एज द थर्मोलाइन सर्कुलेशन एंड दिस करंट्स फ्लो टिल द सी बेड ऑफ द ओशियन. दे फ्लो लाइक रिवर कंटिन्यूअसली बिलो द सर्फेस ऑफ द सी और सी के ये जो नीचे का जो पार्ट है तो अलग अलग जो रिवर्स है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहती है. उस हिसाब से ये भी जो है फ्लो होते रहता है. तो यहाँ पे जो है 5.5 फिगर्स जो है हमको देखना है. यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये पिंक वाला ये जो है वार्म करंट यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं. ये सी के नीचे के पार्ट का देख रहे हैं हम 500 सरफेस के भी 500 अंदर का. और ये जो है ये जो पिंक दिख रहा है ये वार्म करंट जो है फ्लो हो रहे हैं और ये जो ब्लू दिख रहा है आपको तो ये जो है कोल्ड करंट है. तो ये जो वार्म करंट है वो जो है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है ये मतलब जो ऊपर के जो करंट है वो वार्म हो जाता है ऊपर का एरिया और इसीलिए जो है वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है और उसकी सैलिनिटी भी लो हो जाती है. तो ये जो है लाइट वेटेड हो जाता है और ये जो है ऊपर पार्ट में जो है होता है इक्वेटर के पास में. और जैसे ही ये पोलर रीजन की तरफ बह के जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ठंडे हो जाता है, ये जो वाटर है ये कोल्ड हो जाता है और फिर ये जो है कोल्ड होकर यहाँ कोल्ड करंट जो है नीचे की ओर ये फ्लो होते रहता है. और ये जो कोल्ड करंट है बाद में फिर ये जो है ऊपर चले जाते हैं इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर की तरफ जाने के बाद में ये फिर से जो है टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं और इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से ये जो है मतलब इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है और फिर ये लाइट वेटेड हो जाता है और ये ऊपर जो है फ्लो होते रहता है. ठीक है. समझ में आ गया आपको इतना. सो द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओशियन इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डीप सी करंट. और ये जो डीप सी करंट जो फ्लो होते हैं वार्म करंट और कोल्ड करंट, तो ये जो है टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह से जो है होते हैं और ये जो है इसका मेजर रीजन है टेम्परेचर के वेरिएशन का, मतलब अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से. सो वार्म वाटर हैज लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी और ये जो वार्म वाटर होता है जो ऊपर का हमने अभी जो देखा है ये वार्म वाटर जो है ये इसके सैलिनिटी भी जो है डेंसिटी कम होती है और इसकी सैलिनिटी मतलब भी जो है लो हो जाती है. ठीक है. सो वार्म वाटर हैज अ लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी. सच वाटर कम्स टू द सर्फेस ऑफ द सी और ये जो है ये जो वार्म वाटर है वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है, सर्फेस ऑफ द सी के कॉन्टैक्ट में आता है. और कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गोज डाउन. तो ये जैसे कि सर्फेस ऑफ वाटर है ये 500 मीटर तक का एरिया है और ये जो नीचे के मतलब इसके नीचे का जो डीप जो हमारा जो सी का पार्ट है वो हम देख रहे हैं. तो यहाँ पे जब ये
वार्म करंट है, ये सी वाटर के कांटेक्ट में, यहाँ पे सी वाटर है तो यहाँ सी वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही ये वार्म करंट आ जाता है तो क्या होता है कि ये जो है सरफेस ऑफ द सी, कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गोज डाउन, तो यहाँ पे जो है ये मतलब लो वेटेड हो जाता है, इसकी सैलिनिटी कम हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, एंड सच वाटर इज कम इन कॉन्टैक्ट विथ सी सरफेस ऑफ द सी एंड कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गो डाउन, और यहाँ पे जो है ये जो वाटर है वार्म वाटर वो जो है कोल्ड रीजन्स के कॉन्टैक्ट में आके जो है ये कोल्ड होता है और फिर ये जो है नीचे आ जाता है ऐसे. तो मतलब कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है और ये फिर हाई डेंसिटी होकर ये जो है नीचे आता है, मतलब ये जो नीचे वाला जो कोल्ड वाटर होता है इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है. देन दिस मोमेंट कॉजेज द डीप सी वाटर करंट, और ये जो मोमेंट है इसका मतलब ये ऊपर जाना और फिर वार्म वाटर जो है सरफेस वाटर के करंट में आना, फिर जो है वो कोल्ड मतलब एरिया के कॉन्टैक्ट में आकर जो है वो ठंडा होके फिर नीचे आना, तो ये जो सर्कुलेशन है इसका ये कंटिन्यूस जो है वो चलते रहता है. और जब ये नीचे आता है तो इसकी डेंसिटी जो है हाई हो जाती है और दिस मोमेंट कॉजेस द डीप सी वाटर करंट, और इससे जो है ये वाटर करंट फ्लो होते रहता है. 5.6 का जो ये फिगर जो है यहाँ पर में बताया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है सरफेस वाटर के करंट के कांटेक्ट में आकर ये वार्म वाटर जो है फिर जो है कोल्ड एरिया के कांटेक्ट में आ जाता है और ये ठंडा होके फिर ये नीचे आता है यहाँ पे, और फिर जो है ये ऊपर जाता है और ये जो सर्कुलेशन है इसका ये होते रहता है. सो जनरली द सर्फेस वाटर नियर ग्रीनलैंड एंड यूरोप मूव्स टू मोर डेप्थ, तो जनरली जो है ये ग्रीनलैंड और यूरोप का जो एरिया है तो वहाँ पे जो है ये वाटर जो है मतलब मूव टू मोर डेप्थ, मतलब नीचे आ जाता है डेप्थ में, एकदम सी के जो है आ जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है. ये जो एरिया है ग्रीनलैंड और यूरोप का, तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो है ये वाटर क्या होता है, ये वार्म वाटर जो है ये पोलर रीजन के कांटेक्ट में आता है और ये जो है फिर कोल्ड होकर ये नीचे की ओर जो है नीचे अंटार्कटिका की ओर जो है ये मूव हो रहा है. ठीक है, सो दिस वाटर मूव्स टू द अंटार्कटिका एट दिस डेप्थ. ओके, सो लेटर द वाटर मूव्स टू द सर्फेस, और फिर जो है ये वाटर क्या हो रहा है, फिर से ये जो है इक्वेटर के पास में जो है मूव हो रहा है. सो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर कीप्स ऑकरिंग, और इस तरह से जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो है वार्म वाटर कोल्ड वाटर के करंट में आना और कोल्ड वाटर जो है फिर से वार्म वाटर के कॉन्टेक्ट में आना, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होते रहता है इसका, ये जो सर्कुलेशन जो होते रहता है, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन वाटर कीप्स ऑकरिंग. सो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स अराउंड 500 ईयर्स टू कंप्लीट, और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होते रहता है उसको जो है 500 ईयर्स का जो है टाइम लगता है कंप्लीट होने में. 500 ईयर्स ये पूरा जो कोल्ड वार्म वाटर जो है कोल्ड एरिया के कांटेक्ट में आके फिर वो जो है कोल्ड होकर नीचे आना, मतलब ये कोल्ड वाटर जो है नीचे आना और फिर ये जो फिर से कोल्ड वाटर जो है वो वार्म वाटर के कांटेक्ट में आना, तो ये जो पीरियड है इसका इसको 500 ईयर्स लगते हैं. दिस टाइप ऑफ अ मोमेंट आल्सो नोन एज अ कन्वेयर बेल्ट, और इस टाइप की जो मोमेंट जिस एरिया में होती है सी के उसको जो है कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, और ये जो है बहुत स्लो प्रोसेस होती है. ठीक है, इसीलिए इसको जो है 500 ईयर्स लग जाते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ अ डीप ओशियन करंट, सो ड्यू टू द थर्मोहेलिन सर्कुलेशन जो है ये मूवमेंट ऑफ अ सी वाटर जो है वो लार्ज स्केल में होते रहती है, और
इससे जो है ओशियन वाटर मूव्स फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम। ओशियन वाटर जो है ये सरफेस से बॉटम में आता है और बॉटम से फिर जो है वो जो है सरफेस पे आता है। बॉटम से फिर से सरफेस में आता है और ये सरफेस से बॉटम में आता है, ठीक है। तो इसे जो है वर्टिकल मूवमेंट जो है कहा जाता है। सो वार्म वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द बॉटम फ्रॉम द सरफेस एंड द न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड टू द सरफेस। और ये जो वार्म वाटर है यहाँ का वो जो है मतलब बॉटम की ओर आता है और बॉटम में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिच जो न्यूट्रिएंट्स जो है होते हैं, तो ये जो है कोल्ड वाटर लेके जो है फिर से जो है ये सरफेस पे जाता है। ओके, सरफेस ऑफ बॉटम पे। सो देन डू यू नो, सो दिस सर्कुलर पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट गिव्स राइज टू सर्टन पिक्यूलियर फीचर इन द ओशियन। और ये जो सर्कुलर पैटर्न है इसका अपने ओशियन करंट का, तो इस ये जो है एक पिक्यूलियर फीचर्स जो है ओशियन को देता है। सो दीज आर कॉल्ड अ गियर्स, और इसको क्या कहा जाता है, गियर्स। ओके, सो मतलब ये जो सर्कुलर पैटर्न जो है इसका इस तरह से जो है वो सर्कुलर होते रहता है, तो इस पैटर्न को जो है गियर्स कहा जाता है। द सर्गासो सी इन द अटलांटिक ओशियन इज सच एन एग्जाम्पल। और ये जो सर्गासो सी है यहाँ पर जो है ये अटलांटिक ओशियन के सर्गासो सी में जो है ये होते रहता है और ये एग्जाम्पल है इसका। सो इट इज इट इज मार्क्ड बाय द सर्कुलर पैटर्न ऑफ ओशियन करंट। और यहाँ पर जो है ये ऐसे सर्कुलर पैटर्न का जो है ये ओशियन करंट जो है फ्लो होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर जो है ये इस तरह का जो है सर्कुलर पैटर्न जो है हमको वो दिखने में आता है। यही जो पार्ट है वो सर्गासियन सी जो है यहाँ पर, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव लैंड बाउंड्रीज एंड इज ओनली सराउंडेड बाय ओशियन करंट। और इसको जो है कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, आजू बाजू में जो है लैंड की कोई बाउंड्री नहीं है। एंड इज ओनली सराउंडेड बाय ओशियन करंट, सिर्फ सराउंडेड में जो है ये ओशियन करंट जो है मतलब वार्म वाटर कोल्ड वाटर का जो ये ओशियन करंट है वही जो है दिखता है, और बीच में जो है ऐसा ये मतलब ऐसा सर्कल जो है गिरता है यहाँ पर। सो इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ सर्गासम सीविड। और इस एरिया में जो है ये जो एरिया है यहाँ का बीच का, तो यहाँ पे जो है सर्गासम वीड्स जो है यहाँ पर ग्रो होता है, जिसकी वजह से इसको सर्गासम सी का जो है नाम दिया गया है। द वॉटर इज स्टील हियर, और यहाँ का जो बीच में का जो ये वॉटर है ये बिल्कुल जो है स्टील रहता है, मतलब स्थिर रहता है, और ये बाकी जो है वॉटर की जो है मूवमेंट होते हुए दिखती है हमको, ठीक है। सो द वॉटर इज स्टील हियर, दिस सी इज 1100 किलोमीटर वाइड एंड 32 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो है 1100 किलोमीटर वाइड है मतलब बड़ा है, और 3200 किलोमीटर जो है लॉन्ग है, इतना जो वो ये एरिया है वहाँ का, ठीक है। देन ऑलवेज रिमेंबर द ओशियन करंट डू नॉट फ्लो वेरी क्लोज टू द कोस्ट। और ये जो ओशियन करंट्स है वो मतलब कोस्ट के पास में जो है नहीं बहते हैं, ठीक है। डू नॉट फ्लो वेरी क्लोज टू द कोस्ट, मतलब ये जो कोस्टल एरिया जो होता है सी के पास का जो एरिया होता है वहाँ पर ये मतलब किनारे पे जो है ये ओशियन करंट नहीं फ्लो होते हैं, वो थोड़ा सा अंदर जो है फ्लो होते हैं। दे फ्लो नियर द लोअर लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब अंदर के जो लिमिट होते हैं वहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो है बहते हैं। सो इवन दो द वेलोसिटी ऑफ द ओशियन करंट इज लेस, द वाटर कैरिड बाय देम इज इमेंस। तो इसकी वेलोसिटी जो है ओशियन करंट्स की जो है वो कम होती है, द वॉटर कैरीड बाय देम इज इमेंस, फिर भी जो है वॉटर जो है कैरी होते रहता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द
वेस्टर्लीज इन द मिड लैटिट्यूड द ओशियन करंट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट नियर द इक्वेटर दे फ्लोज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे जो दिया है कि ये जो मिड लैटिट्यूड का जो पार्ट है वहाँ पर ये वेस्टर्लीज का जो है इन्फ्लुएंस जो है दिखता है ओशियन करंट में, वो जो है वेस्ट से ईस्ट के तरफ दिखता है बट नियर द इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर होता है हमारा सी का सॉरी अर्थ का, तो उस इक्वेटर पे जो है नियर द इक्वेटर दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे बहता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, मतलब जहाँ हवा का रुख दिखेगा वहाँ पे ये जो है बहता है। यहाँ पे दिया हुआ है मैप में जो है दिया हुआ है, ये जो है इस तरह से जो है बहता है वेस्ट टू ईस्ट, और इक्वेटर पे जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है बहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये ओशियन करंट का मूवमेंट जो है हमने देखा इस लेसन में। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, तो ये एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।